नमस्कार मित्रों, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जीवन जीने का तरीका बतलाया। भगवान जीवन को जीने के तरीके को बतलाते हुए कहते हैं कि हमें जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि नए कर्मों में आसक्ति न हो और जो पुराने कर्म हमने अर्जित किए हुए हैं वो धीरे धीरे विगलित हो जाएं, तभी हम परम आनंद की अवस्था में पहुँचेंगे, तभी हम जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात गतः संगस्य, जिसका संग चला गया है, मुक्तस्य जो मुक्त है, मुक्त कौन है, जिसका संग चला गया है। संग का मतलब है आसक्ति। आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, पुरुष व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है जिससे उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। आपको मज़ा आता है ध्यान करने में, सोचने में। आप अपनी वासनाओं को जितना फैलाते हो, जितना बाहर फेंकते हो, उतना ही वो आपको मजा देती हुई दिखाई देती हैं, सुख देती हुई दिखाई देती हैं। जब आप किसी सुंदर लड़की के बारे में सोचना चालू करते हो, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आनंद आना चालू होता है। आप इसको धीरे धीरे आनंद पाने के लिए आप इसको बढ़ाते जाते हो। यही आसक्ति का कारण है। जिसके पास कोई संग नहीं, किसी संसार की बाहर की वस्तु में उसको कहीं भी आनंद नहीं मिल रहा या आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है, वही मुक्त है। अब बाहर की वस्तु में आनंद क्यों नहीं ले रहा व्यक्ति? क्योंकि बाहर की वस्तुओं में जहाँ भी आप आनंद ढूंढने की कोशिश करते हो, एक तो वह क्षणिक है, दूसरा वह दुखमय है। आप अगर किसी लड़की के बारे में सोचकर आपको मज़ा आ रहा है तो आप उसके पीछे जाओगे, वो आपको मिल जाएगी, कुछ समय बाद उसी लड़की में आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, फिर आप कहीं और जाओगे, फिर वही आनंद आपके दुख का कारण बन जाएगा। विषयों से चिपकना आसक्ति का कारण है। उसके न प्राप्त होने पर भी दुख होता है और प्राप्त होके खो जाने का डर रहता है, और प्राप्त हो जाए तो कुछ समय बाद वह चीज़ जो है वह आपके लिए उपयुक्त नहीं रहती, आपका मन भर जाता है और आप किसी दूसरे के पीछे लग जाते हो। यह जिस तरह से हिरण जंगल में दौड़ते रहते हैं, जिस तरह घोड़े दौड़ते रहते हैं, उस तरह हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ती रहती हैं। जो संत हैं, जो साधु हैं, जो जीवन में प्रभु से मिलन चाहते हैं, जो अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से जीना चाहते हैं, जो अपनी आत्मोत्कर्ष चाहते हैं, आत्मा का उन्नयन चाहते हैं, कर्म के बंधनों से छूटकर परम मुक्त अवस्था में जीना चाहते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं कि गतः संगस्य मुक्तस्य। मुक्त तभी हो गए जब आपका संग समाप्त हो गया हो, और ज्ञानावस्थित चेतसः, आपका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो, परमात्मा के ज्ञान में अवस्थित हो गया हो चित्त। अगर आपका चित्त है वो इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, आपका मन अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, आपका मन अच्छी चीज़ खाने को है, आपका मन अच्छे कपड़े पहनने को है, अच्छा स्पर्श चाहता है, अच्छे खुशबू चाहता है, इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो चीज़ें आपको सुख देती हैं वह चाहता है, तो आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, मुक्ति के अधिकारी नहीं हो। जीवन में आपके भोग बचा हुआ है, आप भोग से तृप्त नहीं हो। अच्छा है कि आप भोग कर लो। अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आता है तो वह ढोंगी है। भगवान कहते हैं ना कि इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, जो इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल में करके मन से सोचता रहता है वह धूर्त व्यक्ति, चोर कहा गया है उसे। जो व्यक्ति जिसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हों, वासनाएं पूरी नहीं हुई, वो किसी तरह संत तो बन जाए, संत का चोला पहन ले और मन ही मन विषयों को सोचता रहे, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है, उसे इस रास्ते में आना नहीं चाहिए, उसे वस्तुतः अभी जीवन को जीना चाहिए, भोग करना चाहिए। जब भोग से मन तृप्त हो जाए, उसको लगे कि इस बात का वह अनुभव कर ले कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैं सुखों के पीछे कितना ही भाग लूँ, मुझे दुख रहित सुख नहीं मिल सकता, तभी वह
मोक्ष के लिए आ सकता है, तभी वह संग छोड़ सकता है विषयों में। तो गतः संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, तब उसका चित्त जो है वो विषयों से हटकर ज्ञान में अवस्थित हो जाएगा। जब आपका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया तब यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलियते, यज्ञाय आचरतः, तब वह जो भी कर्म करेगा वो काम अपने लिए नहीं करेगा, वो यज्ञ के लिए करेगा। अर्थात यज्ञ में जिस तरह आहुतियाँ दी जाती हैं उत्तम वस्तुओं की, उसी तरह वह उत्तम कार्य समाज के लिए करेगा, लोक कल्याण के लिए करेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसके हर कार्य से लोगों की भलाई होगी, किसी भी का भी नुकसान नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति यज्ञ के लिए कार्य करता है, समग्रम प्रविलियते, उसके सारे कर्म धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हो जाता है और परमानंद प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। हरिओम तत्सत्।